बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते जी शुरू। आज हम एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, आज हम खाएंगे, चलें आपको बताते हैं क्या खाएंगे। आज हमें जो ज्वाइन कर रहा है वो उस्मान ज्वाइन कर रहा है, तो अभी उस्मान से भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो अभी हम निकलने लगे हैं, रात के 7:45 हो गए हैं जी। तो अभी चलते हैं फुल हैवी मॉल के साथ, और कैंटो रेंट जो है ना वो फूड के अंदर आज हम नहीं छोड़ेंगे। ओके चलते हैं। फाइनली हम आज पहुंचे हैं, ये देखें कदीमी मर्दान होटल, कदीमी मर्दान होटल पे हम पहुंच गए हैं। ये 85 ईयर से पार्टीशन से पहले का ये यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर लंगर खाना भी चलता है। और अभी हम इनके चप्पल को आप चेक करेंगे कि ये किस तरह के हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दिए। चले आए चलते हैं अंदर। फाइनली हमें उस्मान ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो उस्मान ये बैठा हुआ है सामने, ये भी खाने का बड़ा शौकीन है। इसने मुझे कहा है कि सबसे पहले हमने जाके कवर करना है बनी में, आप रावलपिंडी में बनी में आए मर्दान कदीमी जो है चप्पल कबाब, ये 85 ईयर से है, 1944 से तकरीबन। तो यहाँ पर आपने लाजमी आना है। तो सबसे पहले हमने कहा आज हम जाते हैं कदीमी पर और खाते हैं। उस्मान भी आ गए हमारे साथ। उस्मान ये है जी उस्मान। हाँ जी उस्मान भाई। हाँ जी अमर भाई, क्या हाल है? क्या हाल है, ठीक है आप? अपनी सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आप आज कदीमी इमाम बारगाह जो है यहाँ पर बहुत मशहूर है, उसके बाद ये मर्दान कदीमी चप्पल कबाब है, हम यहाँ पर आए हैं, तो आप मुझे ये बताएं पहले कभी टेस्ट किया आपने? हाँ जी, पहले 2-3 बार टेस्ट जो है कर चुके हैं। मैंने कहा इस बार आपको भी लेके आए हैं। क्या बात, इसका जायका चखाएं। ओह वाह जी वाह। अच्छा उस्मान, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, उस्मान है मेरे जितना ही है। तो ये उस्मान किस एज का है? ओ यार मेरे जितना है। अच्छा ओ एज बता दे अपनी। ओ मेरी तो 19 साल है। ओ यार शिट, मैं भी 19 साल गई हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लंगर खाना भी चलता रहता है, और ये सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना भी देते हैं। और ये तकरीबन 85 साल से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे इसकी।
इसको टेस्ट करते हैं, मर्दान होटल, मर्दान से मर्दान ही याद आ जाता है, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। नींबू मैंने जोड़ा नहीं है, वाह यार मसाले मुनासिब, ना नमक तेज ना मिर्चियाँ तेज, और एक ऐसा हैवी किस्म का कैंटो रेंट हो रहा है कि आपकी सोच है कि आप जब भी रावलपिंडी बनी में आए कदीमी मर्दान होटल चप्पल को आप लाजमी आए, बहुत मज़ा आ रहा है। अब खाना खाते हैं, तो उस्मान आ जा यार। यार एक बड़े मज़े किस्म का ना वेव है, ये चटनी जो है ना इनकी पुदीना है, इसके अंदर दही है, बहुत ही स्पेशल किस्म की है, मेरे ख्याल से अनारदाना भी है, अभी हम पूछते हैं इनसे, अनारदाना भी इन्होंने डाला हुआ है, यानी कि स्पाइसेस तो इनके जो हैं वो कमाल के हैं, और सबसे जो मज़े की चीज़ है ये बहुत लाइट से लग रहे हैं। उस्मान कैसा टेस्ट है यार? टेस्ट तो मैंने आपको पहले बताया जी, टेस्ट बहुत आला है यार। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको ये रेफर किया, अभी किधर है, पहले इसे कवरेज करते हैं फिर जाते हैं दीन होटल। अच्छा यार उस्मान, अगर कम है तो और ना मंगवा लें। नहीं नहीं, अच्छा अभी हमने और बहुत कुछ भी खाना है। नहीं जी, अच्छा बहुत आला यार, इनकी चटनी तूने टेस्ट की है? हाँ चटनी बहुत आला है इसकी, बहुत आला चटनी है, और मैं कहता हूँ कमाल की। मेरे ख्याल से कि ये ब्लॉगिंग के चक्कर में हमारे जो पेट है ना वो दोनों जो है वो तोड़ मारी जो है गुजरा वाला की तरह ना हो जाएंगे है ना। चल आओ टेस्ट करते हैं। यार मेरा तो पेट भर गया है, अभी हमने और जगह पर भी जाना है। उस्मान यार मेरा तो अब दिल नहीं कर रहा, तो तू खाएगा? नहीं यार खा ले यार, ओ खा ले यार, ओ क्यों यार खा ले, ओ नहीं यार और खा लेगा वो यार, चल चल ठीक है। ले जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं दीन चाट वाले के पास, वो सामने दीन चाट का बोर्ड लगा है, वो दिखाएं जी जरा। और ये हमारे दोस्त हैं महर पाए वाले, ये भी हमारे दोस्त हैं, अभी इनके पास भी चलते हैं, इनसे वैसे गपशप लगाएंगे। पाए शायद हमने भी लेने नहीं है, जब पाए सर्दी सरद सख्त शुरू हो जाएगी फिर हम इनसे पाए भी लेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी चलते हैं महर के पास। दोस्तों ये हमारा दोस्त है माहर अली, हम सर्दियों में इसके पास आते हैं। ले दोस्तों अब हम आ गए हैं दीन चाट वाले के पास, दीन चाट वाले ये हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, तो अभी हम यहाँ से दही भल्ले जो हैं इनके बड़े फेमस हैं रावलपिंडी के, रावलपिंडी बनी में, बनी में आप जब भी आएँ और जब कभी आप पे चक्कर लगे आपने दीन चाट वाले के पास ज़रूर आना है। तो चले आ जाएँ, अब हम आए हैं अदील भाई के पास, ये बनी चौक के अंदर दीन चाट पैलेस जो है बहुत ही मशहूर है रावलपिंडी के अंदर, तो हम अदील भाई के पास हैं। अदील भाई कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए अदील भाई, और आपने मियार और क्वालिटी को उसी तरह कायम रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है। तो अभी हम दीन चाट वालों से जो हैं वो दही भले चेक करेंगे, फिर आपको बताते हैं। मैंने तो बड़ी दफ़ा खाए हुए हैं लेकिन आपको बताएँगे एक दफ़ा फिर खा के कि ये कैसे हैं।
आलू काट रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये आलू काटने वाली मशीन है, इतनी तेज और इतनी जल्दी ये कैसे काट रहे हैं ये तो अल्लाह को पता है, यहाँ पर इनको ही पता होगा। यार बकरी किस्म का टेस्ट है। अच्छा स्पाइसेस जो हैं वो बहुत मुनासिब, और ये आप देख रहे हैं कि दही कितना ज़्यादा इन्होंने डाला हुआ है, और ये भल्ले हैं इतने खस्ता कि यार मैं अब क्या बताऊँ, ये तो मैं ये भल्ला पूरा खा के दिखाऊँगा। टाइम लगा ना फिर खा ले, ये मुझे लग रहा है कि मैं सारे तेरी भी खा जाऊँगा, ये मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। हाँ उस्मान क्या टेस्ट है यार। हाँ यार नहीं यार, मुझे हर बार कहते थे पर मैं नहीं आता था। अब तू मुझे बता तूने मिस किया कि नहीं, अब तूने ये जो है ना पिछले कितने सालों से मिस कर दी है, अब मुझे बता के कैसी है। बहुत अलग है। हाँ मैं तुझे हर दफ़ा कहता था खा ले, लेकिन ये मैं तुझे अब देने वाला नहीं हूँ, ये मैंने जो है ना ये तेरी भी खा जानी है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इसका स्पीड जल्दी कर और कैंटो रेंट को तेज़ कर दे। चाट वगैरह दही भले हैं मैंने बहुत जगह पर खाए हैं, लेकिन जो दीन चाट है और ये जो दही भले हैं यार ये कमाल की है, यानी कि एक वक्रा तक किस्म का वेव आ रहा है टेस्ट का। और इनके जो मसाले हैं लाइट, बिल्कुल लाइट, तेज़ वाला काम कोई नहीं है कि हम कहें जी कि सी सी हो रही है, नहीं, ये ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ छुप के खा सकते हैं। उस्मान यार तूने तो फड़का दी प्लेट यार, आपने यार ये तो नहीं मैं दूंगा तुझे। और मंगा नहीं यार, नहीं और मंगा यार, चल और एक एक प्लेट खाते। हम अब आ गए हैं क्रीम समोसा सदर, यहाँ का जो समोसा है हमने समोसे तो बहुत सी जगह पर खाए हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ पर ये जो होता है वो दही की इन्होंने वो एक वो रायता सा बनाया होता है, और साथ एक इनकी वो कोई चटनी सी है वो समोसे के अंदर वो डालते हैं, यानी कि ये जो समोसा जो है ना, जिसे समोसा प्लेट कहेंगे, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। तो चले आए दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना ये दही का वो उन्होंने पानी बनाया हुआ है, और साथ ये समोसे हैं बीच में, और साथ जो है ये जो है ना आमचूर की चटनी है, आमचूर बल्कि खुशक हुआ हुआ आमचूर है इसमें, इमली आलू बुखारा है, और काफ़ी किस्म के स्पाइसी इसमें डले हुए हैं। तो इसके जो बनाने के जो तरीके हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ज़रा ऊपर कर कैमरा, ये देखें इसको इसमें ऐसे यूँ डालना है, करीब आ जाए, करीब आके ना ये करीब आ जाए, इसको हमने ना इस तरह इसको हल करना है,
देखें ये हल हो रहा है साथ साथ। अभी इसका जो चेहरा है ना, वो जो इसकी शक्ल है वो डिफरेंट हो जाएगी मेरे ख्याल से, थोड़ी सी कम है ये, काफ़ी तेज़ है। तो इसको हमने ये कर रहे हैं, फिर ये समोसा हमने इसके उसी तरह तोड़ना है। ये जो चटनी है ना, हमने इसके अंदर जो इसका जो ये दही है इसके अंदर इसको मिक्स करना है। ये तकरीबन पिछले 50 से 60 साल पुरानी जो है ये सदर के अंदर शॉप है। वो ज़रा उस्मान जा कर बाबा जी को कवर करके आप, मैं उतनी देर इसको मिक्स करता हूँ। ये चटनी देख, ये चटनी जो है बाबा जी की रेसिपी है, ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये इस तरह हमने समोसा तोड़ लिया, ये आप देख रहे हैं कि इधर इधर करीब आ जाए, ये चटनी का जो है ना कलर ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसको। यह खट्टी मिट्टी से समोसा प्लेट है और बहुत सस्ता समोसे हैं, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि यार इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा हमें, और टेस्ट एक बखरा किस्म का टेस्ट आ रहा है। तो ये जो है रावलपिंडी के अंदर आपको इस तरह की जो डिश है, यानी कि हम कह सकते हैं समोसा प्लेट, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे सिवाय क्रीम समोसे के। क्रीम समोसा जो है ये सदर के अंदर है, आप सदर में आए किसी भी पूछ लें कि हमने क्रीम होटल में जाना है। ये डिफरेंट किस्म का अगर आपने टेस्ट लेना है समोसा प्लेट का, तो आप क्रीम समोसा में एक दफ़ा ज़रूर आए। चले खाते हैं इसको। मान ज़रा इसे चेक करना, ज़रा बता ज़रा। हाँ टेस्ट आ रहा है, एक अजीब सा बकरा से होता है टेस्ट, है ना। हाँ अजीब सा टेस्ट है ना, यानी कि ये इस तरह हमने ये इस तरह की चीज़ देखी नहीं है पहले कभी, है ना। यानी कि ये चने चने के बगैर ही है काम सारा, चने चने कोई नहीं है ना, लेकिन ये उसको हिट कर रही है चने वाले समोसे को, है ना। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अजीब किस्म का कैंटोरेंट है इसके अंदर है। नहीं दोस्तों, हम खाते हैं समोसा क्रीम समोसे का। तो इसी के साथ उमर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो हम खाते हैं अपने समोसा प्लेट।